क्या हम लोग इन बातों पे टिके रहेंगे? आप हमारी पृष्ठभूमि देखिए, जो विजन चौधरी साहब का था, चौधरी चरण सिंह जी ने जो काम किए, जो उनकी कार्य क्षमता थी और काम करने का तरीका था, लोगों से जुड़ाव था, मैं चाहता हूं कि वही चीज मैं अपने दिल में रखूं और उसी तरह से उसी अंदाज से काम करूं। बहुत बड़ा आशीर्वाद जनता दे रही है। आप देखिए, रात हो गई है, गठबंधन के प्रति जो एक उत्साह है, नौजवान बुजुर्ग सब सड़क पर नाच रहे हैं, तो मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहता हूँ। आपने ये बात कही थी कि दिल्ली से न्योता आया है, आप जवानी अठली नहीं है, जो बदल जाए, जाट है कहाँ वेस्टर्न यूपी में, जाट किसके तरफ है? बात सिर्फ जाट की नहीं, बात तो 36 जातियों की है। सबका सहयोग मिलेगा तभी हम जीत पाएंगे, और सभी का मिल रहा है। बाकी जाट भी किसान होता है, मैं इस जाति से हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मुझे गर्व है उस बात को लेकर, लेकिन मेरी राजनीति किसान और कमेरे के लिए होगी। उन्हें हमें मजबूत करना है, सरकार उनकी बनानी है। लगातार रहकर ये आरोप लगा रहता है कि जयंत चौधरी गलत परिवार से समझौता कर बैठे हैं, पोस्ट पोल के बाद ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ चले जाएं, जो कि बीजेपी ये दावा कर रही है चुनाव से पहले? नहीं नहीं, ये तो हमारे वोट को खराब करने की इनकी साजिश है। इस साजिश में कोई नहीं फंस रहा। ये औरंगजेब मुगल को गाली देंगे, ये जिन्ना की बात करेंगे, ये ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश करेंगे, ये बंटवारे पैदा करने की कोशिश करेंगे। इनके इन चालों में कोई नहीं फंस रहा। एक आखिरी सवाल, किसान भाई को लेकर एक बड़ी नाराजगी थी देश में, जो 3 काले कानून आए थे, क्या आपको लगता है कि किसान भाई उन कानूनों के चक्कर में आप लोगों के साथ हैं और बीजेपी के खिलाफ हैं? सिर्फ उन कानूनों का सवाल नहीं, किसानों के सामने बड़ी समस्या है। मंडियों पे भाव नहीं मिलता, समय पे गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, अगली पीढ़ियों के लिए भी किसान चिंतित हैं। और सवाल यही है कि सरकारों ने जिस तरह से काम करना चाहिए था, जो प्राथमिकता देनी चाहिए थी खेती को, क्या आप कैसे रिवाइव करोगे इस सेक्टर को? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत रोजगार आप दे सकते हो, ताकि किसान को भी अच्छा दाम मिले और किसान के बच्चों को काम मिल पाए। तो इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और जब मैं और अखिलेश जी मिलकर काम करेंगे। समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल की अपना एक इतिहास रहा, किसानों के प्रति हम लोगों का समर्थन रहा है, समर्पण रहा है, और जब सरकार बनेगी किसान की बनेगी।